नमस्कार मित्रों, मैं रिकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा और आज हम बात करेंगे, अगर आप नेगेटिव नकारात्मक स्थान पर बैठ के रिकी करते हैं या कोई और धार्मिक क्रिया, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खासकर भजन करते हैं या रिकी करते हैं आप नकारात्मक स्थान पर बैठ के, तो उसका क्या प्रभाव होता है और कैसे उससे बचा जाए, उसका क्या क्या दुष्प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर होता है, ये बहुत बात जरूरी है जाननी सबके लिए कि अगर हम नकारात्मक स्थान पर बैठ के भजन करते हैं तो उससे क्या क्या हानि और क्या क्या लाभ किस प्रकार के होते हैं। बाकी जिन लोगों को नंबर चाहिए होता है तो वहां पे लिखा करो आपको किस पर्पज के लिए नंबर चाहिए। जो आपका सवाल होता है वो नई वीडियो के नीचे कमेंट किया करो। जब पुराने आप रिप्लाई हो चुके स्थान पे बार बार करते हो तो वो मेरे तक बहुत बार नहीं पहुंचते कमेंट, मुझे पता ही नहीं चलता किसी ने कमेंट किया है नहीं किया है। तो बात कर रहे हैं कैसे पता करें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है कि आमतौर पे घरों में नकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ पे अधिक, जहाँ पे लोग बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, लगातार न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, कोई चार लोग आगे बैठ के वहाँ पे नकारात्मक बातें हो रही हैं या टीवी न्यूज़ वाले लगातार चलते रहते हैं, तो वो क्या है, वो सीधा नर्क द्वारा प्रसारण हो रहा है। नर्क लोक से सीधा आपके घर में प्रसारण हो रहा है जब आप पूरा दिन न्यूज़ लगा के रखते हैं। हाँ, चलाई 5 मिनट 10 मिनट बंद कर दी, ठीक है, उतना तक तो चल सकता है, लेकिन कुछ लोग लगातार न्यूज़ चला के रखते हैं तो उसमें क्या रहा, एक बम फट गया, एक फलाना हो गया। चलो आजकल तो ऐसी बम की नहीं आती, लेकिन और जितनी आती हैं वो नकारात्मक घटनाएँ ही होती हैं। कोई अच्छी बात नहीं, कोई रामकथा नहीं वहाँ पर न्यूज़ चैनल में चलती, तो उन्होंने नकारात्मक चीज़ें आपको सुनानी है, फिर वो नकारात्मक विष आपके अंदर खुलता है, आपके अंदर और पैदा होता है। अरे ये हो गया, आंखें और फाड़ फाड़ के आप देखते हैं, ये हो गया, और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, घरों में इतना कचरा पैदा हो जाता है। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें भी यही आएगा। आमतौर पर इसको छोड़ के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जहाँ पर लड़ाई झगड़ा घरों में हो रहा है, तनातनी कुछ ना कुछ चल रही है, रिलेशनशिप खराब है, काम धंधा खराब है, कोई ना कोई बीमार चलता ही रहता है, एक ठीक होता है दूसरा बीमार चलता है, बच्चों की पढ़ाई नहीं ठीक हो रही, बच्चे चिड़चिड़े हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों को गुस्सा आ रहा है, मतलब आप जीवन के जिस भी पक्ष में देखें वहाँ पे गड़बड़ी ही गड़बड़ी है। कुछ लोग ये नकारात्मकता होने के बावजूद ध्यान भजन परमात्मा में फिर भी लगा के रखते हैं, ध्यान भजन कर रहे हैं फिर भी फायदा नहीं हो रहा, मतलब जीवन के हर क्षेत्र में जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी ही दिखती है, आपको कुछ ठीक नहीं मिलता, मतलब वहाँ पे क्लियर है कि वहाँ पे स्ट्रांग कोई नेगेटिव एनर्जीज है, स्ट्रांग नेगेटिव एनर्जी है। अगर आप ऐसे स्थान पे बैठ के जप करते हैं, तप करते हैं, रेकी करते हैं, हालांकि रेकी करते हुए अगर आप रेकी करते हैं तब इतनी कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जब आप जप कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तब कई बार दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब हम मंत्र जाप करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हमारी ऊर्जा एक तरह से खुल जाती है। अगर वहाँ पे कोई नेगेटिविटी है तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर अधिक मात्रा में होने लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ध्यान भजन बंद कर दें, बल्कि आप उसको और तीव्र करें। जितना ज़्यादा कचरा है उतनी अग्नि को तीव्र करना पड़ेगा, लेकिन आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ कि यह कचरा सारा तेज़ी से खत्म हो जाए और आपके ऊपर कैसा भी दुष्प्रभाव ना हो। रेकी करते हैं, जब हम रेकी भी करते हैं तो रेकी का आवाहन करते हैं तब भी हमारा हृदय चक्र खुल जाता है, हमारा हृदय चक्र से वाइब्रेशन बाहर निकलती है, नाभि चक्र खुल जाता है, नाभि चक्र से ऊर्जा भीतर आती है, हृदय चक्र से बाहर जाएगी, नाभि चक्र से भीतर आती है, तो जैसी इर्द गिर्द ऊर्जा होगी वो हमारे शरीर में रमने लगती है, समाने लगती है। तो उससे कैसे बचा जाए, इसके लिए थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ, बहुत इफ़ेक्टिव आपको ये होंगी। और जो आप ध्यान कर रहे हैं, रिकी कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उसका समय और भी बढ़ा दें। अगर आपको जीवन में समस्या है तो क्लियर है कि वहाँ पे स्ट्रांग नेगेटिव एनर्जी है, हो सके तो आप पूरी रिकी सीख लें, फिर आपको पता चल जाता है किस चीज़ को कैसे ट्रीट करना है। आप हर नेगेटिविटी को निकाल सकते हैं, किसी को भी हील कर सकते हैं, अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार बना सकते हैं। तो रेकी तो परम ऊर्जा है, इससे तो ऊपर और कोई सिद्ध विद्या है ही नहीं। अब क्या क्या करना है, कैसे नेगेटिव एनर्जी घर से दूर कर सकते हैं। अगर कोई घर में बीमार चल रहा है, कुछ भी है, अगर किसी के घर में कोई लगातार बीमार चल रहा है कि बीमार रहता ही है, तो घर के उसके बेड के नीचे थोड़ा सा नमक रख दें,
थोड़ा सा नमक, एक चम्मच नमक रख दिया, हर दूसरे दिन उठा के उसे ऐसी जगह पे बहा दें जहाँ पे किसी के पैर के नीचे ना आए, क्योंकि वो नेगेटिव ऊर्जा को चूस लेगा, नेगेटिव ऊर्जा जितनी भी होगी वो खींच के अपने भीतर समा लेगा उसके। और सेंधा नमक बाजार से लें, घर के जितने भी कोने हों, कोने में छोटी छोटी डली नमक की, सेंधे नमक की रख दें, दूसरे चौथे दिन उसे उठा के ऐसी जगह पे प्रवाहित कर दें, चलता पानी हो तो सबसे ही अच्छा, नहीं तो ऐसी जगह पे फेंक दें उसे जहाँ किसी के पैर के नीचे ना आए। वो सेंधा नमक क्या करता है कि घर की सारी नेगेटिव ऊर्जा को चूस लेगा अपने भीतर। ज्यादातर जो मैक्सिमम नेगेटिव ऊर्जा होती है ये घर के कोनों में इकट्ठी हो जाती है, जहाँ पे झाड़ू पोछा, जो लोग आलस कर जाते हैं, झाड़ू पोछा डेली नहीं लगता, वहां पे बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठी हो जाती है। जब आप झाड़ू भी लगाते हैं घर में तो मन में एक संकल्प होता है, क्या संकल्प, कि मुझे घर को साफ करना है, प्योरीफाई करना है, शुद्ध करना है। उस संकल्प के बल पर आप सिर्फ कूड़ा ही नहीं हटाते घर का, बल्कि घर की बहुत सारी हल्की फुल्की जो नेगेटिव वाइब्रेशन है वो भी बाहर फेंक देते हैं आप। इसलिए घर में झाड़ू पोछा अति महत्वपूर्ण होता है। ये सुबह उठ के पहले लोग सबसे पहला काम यही करते थे, झाड़ू। फिर चूल्हा होता था, चूल्हे पे चौका लगाना हर रोज, मिट्टी और नमक लेके थोड़ा सा गाय का गोबर, तो उससे चौका लगाते थे, ये प्रोसेस होता था, तो ये पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। अब नमक आपके घर की नेगेटिव ऊर्जा को चूस लेगा, उसे बहाते रहें। अब पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ाने के लिए, आप घर में थोड़ा सा कपूर ले लें, थोड़ा सा कपूर, एक टिक्की दो टिक्की रोज घर में जलानी ही जलानी है। हो सके अगर आपको नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा महसूस होती है कि घर में ज़्यादा नेगेटिविटी है, लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, मन उदास रहता है, ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन इत्यादि, ये सब नकारात्मक वाइब्रेशंस हैं, ये सारी वाइब्रेशन पैदा जो हो रही है नकारात्मक है, तो इनको हटाने के लिए एक नमक, दूसरा कपूर जलाना है आपने। कपूर हो सके तो घर के हर एक कोने में हर रोज एक एक टिक्की जला दें, 2 रुपए की टिक्की आएगी, 10 रुपए की टिक्की में आपका पूरा घर हर रोज एक तरह से हल्का हो जाता है। घर में जब पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ती है, ये ऐसी है कपूर की ऊर्जा कि घर में जहां ये जलेगा वहां नेगेटिव ऊर्जा रह ही नहीं सकती, वो 100% वहां से हट जाएगी। कोई बहुत जिद्दी होती है, बहुत स्ट्रांग नेगेटिव एनर्जी है, तब बात अलग है, लेकिन छोटी मोटी नेगेटिविटी आपके घर से हट जाएगी। तेज पत्ता हर रोज हो ना सके तो दूसरे चौथे दिन घर पे जला दें, ये पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाता है, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है घर। इसके अलावा घर में हर रोज धूप और जोत दिया, जो कुछ हो सके ये हर रोज जलाना ही जलाना है। धूप एक ऐसी ऊर्जा है, आपने बहुत सारे ऐसे मंदिर देखे होंगे, ज्वाला जी का मंदिर है, वहां पे क्या होता है, धूप दिखाते हैं, जैसे ही वहां पे धूप लेके जाते हैं तो एकदम से प्रचंड जोत पैदा होती है। वो क्यों होती है, क्या कारण है, धूप वहां पे, पहले वहां पे कोई जोत नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल है, बहुत इतनी सी आग जल रही है जो अपने आप नेचुरली जल रही है, माता की आग, तो वहां पे जैसे ही उसके आगे हम धूप इस तरह से धूप घुमाने लगते हैं, एकदम से प्रचंड आग ऊपर तक उठती है, लाट उठती है। वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव ऊर्जा है उसमें, धूप में ऐसे तत्व हैं जो पॉजिटिव ऊर्जा को न्योता देते हैं, उसे बढ़ाते हैं। जैसे ही कोई भजन आप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, अगर आप हाथ में धूप लेके घुमाएंगे तो आप एकदम से, आंखें बंद है तो आप महसूस करेंगे सर में, यहाँ पे एकदम वाइब्रेशन होने लग गई, या एकदम बहुत प्रबल ऊर्जा आपको जागती हुई महसूस होगी, जैसे बहुत गर्मी महसूस जागृत हो रही है। धूप बहुत पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाता है बहुत तीव्रता से। अगरबत्ती ना जलाएं, क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है, पहले भी बहुत बार बताया, जो कि पितृदोष का कारण बनता है, तो मुस्लिम लोग जलाते हैं इसे, क्योंकि वो पितर वगैरह को मानते नहीं, उनके मानते हैं, उनका तरीका अलग होता है, लेकिन ये पितृदोष का कारण बनता है, पितरों की नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। तो अगरबत्ती कभी नहीं, धूप हर रोज सुबह शाम नियमित रूप से जलाएं, ये घर में पॉजिटिव ऊर्जा को अट्रैक्ट करेगा। आपके घर में जैसी ऊर्जा होगी वो और ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा आप अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा घर में रूम फ्रेशर, इत्र वगैरह हो सके, सेंट हो सके, घर में हल्का हल्का दूसरे चौथे दिन लगा दें, ताकि घर में खुशबू आती रहे। जहाँ पे खुशबू होती है वहाँ पे भी नेगेटिविटी नहीं ठहरती, वहाँ देवी देवता अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव थॉट अट्रैक्ट होंगे। बहुत तरह की पॉजिटिव एनर्जीज हैं जो इसके साथ में अट्रैक्ट होती हैं। ये आपको थोड़ी सी चीज़ें बताई, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके ये बहुत पावरफुल होती हैं। ये ना समझे कि आपने आज किया तो आज के दिन में ही कोई अलादीन का चिराग फट जाएगा।
बल्कि आप थोड़े समय में महसूस करेंगे कि घर में हल्कापन आ गया, लाइटनेस आने लग गई, घर में एक सुखद माहौल बनने लग गया। इसके अलावा एक बहुत पावरफुल चीज है, एक थोड़ा सा छोटा सा तांबे का पात्र ले लें, चाहे हर रोज या हफ्ते में या महीने में, 2 हफ्ते में 2 बार, 1 बार, जितना भी आपसे हो सके, घर में एक गायत्री माला या ओम नमः शिवाय की माला लेके घर में हवन कर दें। ये बड़ी बड़ी नेगेटिव ऊर्जा को खा जाएगा। इसके लिए एक अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ताकि आप घर बैठे अपने आप घर की नकारात्मक ऊर्जा को, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़ी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा को आप हटा सकें, अपने घर से भगा दें, घर हल्का हो जाए, शुद्ध हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए। तो ये थी आज की जानकारी। अगली वीडियो में नई बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।